हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, मैं सडनली उदयपुर चली गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं थे 4-5 दिन से और मुझे भी कुछ काम था, तो इसके लिए मैं सडनली चली गई थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं जा रही हूँ, तो इस वजह से मैंने ना कोई दूसरे वीडियोज़ अपलोड किए 2-3 दिन से और ना ही मैं ज़्यादा कुछ शूट कर पाई। लेकिन कुछ वीडियोज़ मैंने वहाँ पर बनाए थे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ मैं अपने काम हमने कर लिए, उसके बाद हम फ्री थे एक दिन क्योंकि भैया आ रहे थे तो हम रुक गए थे। तो हम लेके गए नियू को मॉल में और वहाँ पे हमने उसको गाड़ी में बिठाया, मतलब एक डबल डेकर बस टाइप उसमें थी टॉयज़ वाली और उसके अंदर एक पेरेंट्स को अलाउ करते हैं तो इसके पापा इसके साथ बैठे हुए थे। और इस तरह से मॉल के 3-4 राउंड उन्होंने करवाए थे और मैं आपको पूरा मॉल दिखाती हूँ। बहुत सुंदर मॉल ये उदयपुर में बना है, सेलिब्रेशन मॉल। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि DIY शॉप यहाँ पे भी है, तो मैंने DIY शॉप से भी कुछ शॉपिंग कर ली थी, 2-3 चीज़ें। काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ की होती है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ये मॉल है, मतलब जिस तरह के बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में मॉल होते हैं उस तरह का ये मॉल है। बहुत सुंदर लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाके। तो ये है यहाँ की DIY शॉप। और उसके बाद हम लोग आ गए सुखाड़िया सर्कल। उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब इतनी छींके मुझे आ रही थी और इतना ज़्यादा जुखाम हो गया था। लेकिन बच्चों की खुशी के आगे ये सब हमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये बहुत खुश हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए मेरी आईज नोज सब एकदम रेड हो गए और बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए बैठी हुई थी और इसके साथ घूम रही थी। इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हम लोग फिर घर आए और नेक्स्ट डे फिर भैया आ गए थे तो उनके कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो करने हम लोग गए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है, तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए हमने क्या शॉपिंग की उससे। तो ये देखिए, ये हमने उनके लिए लिए हैं स्वेट शर्ट। हम लोग गए थे वी मार्ट में, वहाँ पे काफ़ी अभी दिवाली के हिसाब से डिस्काउंट चल रहा था तो हम वहाँ से ये लेके आए। ये स्वेट शर्ट हमको पड़ गया कुछ 360 रुपीज़ का। तो एक तो ये हमने लिया ग्रे कलर का और एक ये लेके आए हम ग्रीन कलर का। तो ये भी हमें पड़ गया कितने का है, ये भी 360 का ही है। और सेम एक मैं लेके आई हूँ अपने भाई के लिए। तो इस तरह से, मतलब वहाँ पे ऐसा ऑफर था कि 2500, हाँ अगर इतनी शॉपिंग अगर होगी तो उस पर 99 की एक बेडशीट फ्री मिलेगी। हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि इतने पैसे हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, हमको जो कुछ पसंद आता गया हम लेते गए। तो ये 3 तो हो गए स्वेट शर्ट। और उसके बाद मैंने लिया है अपने लिए एक स्वेटर, ये देखिए मुझे बहुत पसंद आया था, ये लाइट कलर था फिर भी मैंने ले लिया। तो एक मैं लेके आई अपने लिए स्वेटर और ये लेके आई न्यू के लिए वुलन कैप। अभी अब सर्दी आने ही वाली है, आ ही गई है लगभग, और शादी भी है फैमिली में तो चाहिएगी, इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके पास पहले भी 4-5 है लेकिन वो अब शायद छोटी हो गई होगी तो इसके लिए हम ये लेके आए। पहले मैं आपको जो भी हम लोग वी मार्ट से लेके आए वो सब दिखा रही हूँ। ये है न्यू के टी शर्ट्स, इस पे भी ऐसा ऑफर था कि buy 3 get 1 free। तो फ्री के चक्कर में हम लोग वैसे नहीं गए थे, मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन उसका अभी नीड भी है क्योंकि सर्दी आ गई है ना, तो उसको ये फुल स्लीव्स के अब हम लोग टी शर्ट पहनाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी, तो उस तरह से हम ये 3 और एक ये 4 टी शर्ट हम उसके लिए लेके आए। एक ये वुलन है, वुलन क्लॉथ में है, तो इस तरह से ये 5 टी शर्ट उसके हो गए। और एक लिया हमने वहीं से ये लोअर, इसका बहुत अच्छा सा कपड़ा है, सॉफ्ट सा वेलवेट का, मुझे इसका कपड़ा नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि वेलवेट का है, बहुत अच्छा सा है। नीचे भी इसके, मतलब बॉटम में इस तरह से एंजल वाला ये लगा हुआ है स्टार, बहुत सुंदर है ये। तो ये हमने की वी मार्ट से शॉपिंग और उसके साथ फिर हम लोग ये बेडशीट लेके आए, ये हमको 99 रुपीज़ में मिल गई। इसके साथ 2 पिलो कवर भी है और ये डबल बेडशीट है तो इस तरह का डिस्काउंट था तो हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। मार्केट में अगर लेने जाए तो हम 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस है, तो ये हम लेके आए। उसके बाद आउटर मार्केट से हमने जो शॉपिंग करी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसमें भी हम न्यू की 2 ड्रेसेस लेके आए हैं,
तो ये है एक स्कर्ट डंगरी पैटर्न में, व्हाइट कलर का इसका शर्ट है और ऊपर ग्रीन कलर की स्कर्ट डंगरी है। तो ये मैं मतलब जो हमारी शादी का फंक्शन है उसमें मेहंदी का फंक्शन एक होगा उसके हिसाब से मैं इसके लिए लेके आई हूँ। हल्दी के लिए भी लेनी थी लेकिन वो तो मैंने नहीं ली कुछ, क्योंकि कुछ हमें पसंद ही नहीं आया। और ये एक इसके लिए मैं लेके आई हूँ हाई वेस्ट जीन्स और उसके साथ ये है क्रॉप टॉप। और दो इसके लिए लोअर्स भी लिए हैं हमने, कॉटन बेस पे है लेकिन अभी अब सर्दी है तो डेली वियर के लिए इसको चाहिए होंगे, इसके लिए मैं लेके आई हूँ ये दो लोअर्स। इस तरह से न्यू के भी बहुत सारे कपड़े ही कपड़े अभी हो गए हैं। और एक मैंने लिया है ये हुडा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर था वो इस निया ने पूरा ख़राब कर दिया। और उसके बाद एक मेरा लहंगा है उसका, मतलब जो मेरी शादी के टाइम मेरी मम्मी ने के वहाँ से आया था, उसका मेरा ब्लाउज़ जो है उसके पीछे डोरी लगी हुई थी मल्टी कलर की, तो वो उस मैंने शादी में पहना, उसके बाद उसे फोल्ड करके रख दिया था। तो जब मैंने साल भर बाद उसे खोल के देखा तो उसी डोरी का कलर उसके ऊपर लग गया था। तो अब वो लहंगे का ब्लाउज़ मेरे बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा था। मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी, मैंने अहमदाबाद में भी ट्राई किया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ट्राई किया, मेरे मायके में ट्राई किया, लेकिन कहीं भी मुझे सेम ब्लाउज़ नहीं मिला। लेकिन अभी मुझे ये मिल गया, देखिए इसका लहंगा तो मैंने अंदर रखा हुआ है लेकिन इसकी जो ओढ़नी है वो मेरे पास है और सेम यही चीज़ है, यही कलर का लहंगा है और यही इसमें वर्क है। तो देखिए सेम मैच हो गया है तो मैं ये लेके आई हूँ। ये भी मुझे पड़ा है 650 रुपीज़ का। उसके बाद देखिए और मैं क्या लेके आई हूँ, हम लोग DIY शॉप गए थे, पहले मैंने आपको एक दिखाया था जिसपे मैंने मेरी कबर्ड में पर्स हैंग कर रखे हैं, वो वाले जो हुक्स थे वो मैं DIY शॉप मुंबई से लेके आई थी। और ये उदयपुर में भी मुझे दिख गई, तो मुझे एक दिन कहीं नीड लगी थी छोटे वाले की, तो मैं अब मुझे याद तो नहीं है कि मुझे कहाँ ज़रूरत थी लेकिन मुझे दिख गया तो मैं ये लेके आ गई। तो इस तरह से इसमें ये 6 है लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी सुपर है ना कि मुझे बहुत पसंद आया, इसके लिए मुझे दिख गया तो मैं लेके आ गई। उसके बाद ये मैंने एक ज्वेलरी शॉप से शॉपिंग करी है, तो ये तो मैं अपने डेली के लिए ये कुछ बनाना क्लचर्स लाई हूँ। उसके बाद ये चूड़ी भी मैं अपने डेली वेयर के लिए ही लेके आई हूँ। और ये मेरी जो शादी में हल्दी की साड़ी है उसके लिए मैं वेलवेट वाली बैंगल्स लाई हूँ, और ये सेट बनाने के लिए मतलब डायमंड की बैंगल्स है, 400 रुपीज़ की 4 आई है, ये मैंने ली है। मम्मी के लिए भी एक ग्रीन कलर की, एक ग्रे कलर की ये वेलवेट वाली बैंगल्स लाई थी और भी कुछ उनके लिए मैं लेके आई थी। और ये लाई हूँ मैं नेकलेस सेट, मैंने जो लहंगा स्टिच करवाने का मैं बोल रही थी मैं देख के आई हूँ बुटीक में, तो वो भी आ जाएगा कुछ टाइम बाद, उसके बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये उसका नेकलेस है, और ये एक मैं लेके आई हूँ ब्लैक हेड्स के लिए पिन, और ये DIY शॉप से ये चीज़ एक और मैं लेके आई थी, ये न्यू की मैंने जो ड्रेस स्टिच करवाई है ना उसके ऊपर ये बिल्कुल मैच खाता हुआ हेयरबैंड मुझे दिख गया, और साथ ही में एक ब्रेसलेट भी इसमें है, तो ये मैं लेके आई, ये मुझे 75 रुपीज़ का पड़ा है। तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए इसमें बीड्स हैं और इतना शाइन कर रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं इसे पहनाऊंगी तब मैं आपके साथ ज़रूर उसकी वीडियो या फोटोज़ शेयर करूंगी। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आए हैं, कोई आइडिया नहीं था कि इतना सारा सामान लेना है लेकिन जाते हैं तो वो ही जाता है। तो ये सब शॉपिंग मैंने करी है, और साथ ही मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करी है तो उसका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये पूरी वुलन ड्रेस है, ये भी मैंने न्यू के लिए ऑनलाइन ही मंगवाई, देखिए पूरा लोअर और टी शर्ट है, वुलन क्लॉथ है इसका, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सारे इसी टाइप के कलर्स हैं लेकिन उसके ऊपर इसी टाइप के कलर्स अच्छे लगते हैं तो मैंने यही मंगवाए हैं। उसके बाद ये देखिए ये 4-6 हेयरबेल्ट का सेट है हेयरबैंड्स, ये लोकल मार्केट में अगर हम लेने जाते हैं तो 50-60 रुपीज़ का एक पड़ता है लेकिन मैंने मीशो से 130 रुपीज़ में 6 मंगवाए हैं। तो ये था, उसके बाद ये है मेरा एक नेकलेस सेट, ये देखिए, और ये हैं इसके इयररिंग्स, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए थे, काफ़ी सुंदर है, देखिए पूरा मिरर वर्क है इसमें, मिरर का मतलब पूरा बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है।
इसके बाद ये देखिए रेड कलर का नेकलेस सेट, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, 325 रुपीज़ का है ओनली। ये देखिए ये हैं इसके इयररिंग्स, के बाद एक ये थोड़ा वेस्टर्न लुक में है, ये देखिए ग्रे कलर का। मैं अभी एक रिसेंटली ऑर्गेन्जा साड़ी लेके आई हूँ, उसके ऊपर मैं ये लेके आई हूँ, मतलब ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। इसके इयररिंग्स भी काफ़ी सुंदर हैं, देखिए ये इसके इयररिंग्स, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा शॉपिंग मेरी हो गई है दिवाली की, शादी की, सब मिला के। अभी भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान तो आ ही जाएगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लाना है। तो आपको मेरी ये सब सारी चीज़ें कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोगों ने भी दिवाली की शॉपिंग की या नहीं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।